कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर और खास तौर से व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक इत्यादि पर इलाहाबाद स्टेशन पर नकली और मिलावटी चाय बेचने के संबंध में एक वीडियो दिखाया जा रहा है, वो सर्कुलेट किया जा रहा है। मैं भारतीय रेल का राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल कुमार सक्सेना इस वीडियो की सच्चाई के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में इलाहाबाद स्टेशन में IRCTC का एक बड़ा स्टॉल दिखाया गया है। ये बिल्कुल झूठा और गलत बात है। ऐसा कोई स्टॉल वहाँ कभी रहा ही नहीं है और अभी भी नहीं है। तो ये वीडियो पूरी तरह से बनावटी और नकली लगता है और लोगों में भ्रम और अविश्वास पैदा करने के उद्देश्य से, दुष्प्रचार के उद्देश्य से बनाया हुआ लगता है। हमने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर गहन छानबीन भी करवाई है, जांच भी करवाई है और ऐसे किसी नकली और मिलावटी चाय बेचने वाले वहाँ पर नहीं पाए गए हैं। ये कुछ अलग अलग कुछ चीज़ों को डिस्कनेक्ट चीज़ों को कनेक्ट करके कुछ एक दुष्प्रचार वाला वीडियो बनाने का प्रयास लगता है। फिर भी हमने रेलवे प्रशासन जो इलाहाबाद का है उसको कड़े निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं और ऐसे निर्देश हमारे पूरे रेलवे प्रशासन में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं और हम खाने की चीज़ों के और चाय चाय आदि की चीज़ों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश और जाँच करते रहते हैं। इस संदेश के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसी कोई नकली या मिलावटी चाय रेलवे स्टेशनों पर नहीं बेची जा रही है। एक और इस मैसेज के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी मुसाफिर हैं वो अधिकृत विक्रेताओं से ही सामान खरीदा करें, सस्ते या कम दाम के चक्कर में अनधिकृत विक्रेताओं से लेने की कोशिश ना करें। हम इस इन अनधिकृत विक्रेताओं के खिलाफ धर पकड़ का अभियान चलाते रहते हैं। आप निश्चित रहिए, गुणवत्ता की जांच की हम जिम्मेदारी हमेशा लेते हैं और रखते रहते हैं। आपको कोई संदेह हो या कोई शिकायत हो तो आपसे निवेदन है कि आप 1800-111-321 1800-111-321 इस टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं या 138 नंबर हेल्पलाइन पर कर सकते हैं या फिर रेल मिनिस्ट्री का जो ट्विटर अकाउंट है @RailMinIndia उस पर कर सकते हैं। कार्रवाई ज़रूर होगी, समय पर होगी और प्रभावकारी तरीके से होगी, ये मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। और इस तरह के भ्रमात्मक प्रचार से विचलित या परेशान ना हो और अविश्वास की स्थिति